अनुभवों की भट्टी में तप कर हम पिता का दर्द समझ सके पिता होकर। जब हम पिता बने ना, तब हमारे पिताजी का दर्द समझ में आया कि वो हमें कितना डांट, इतना क्यों डांटते थे। जब हम शिक्षक बने ना, तो हमारे शिक्षकों का दर्द समझ में आया कि वो हमें इतना टॉर्चर क्यों करते थे। वो हमारा निर्माण करना चाहते थे, वो हमें उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते थे। रेस जीतने वाले घोड़े को तो ये भी पता नहीं होता है कि वो विजेता बन गया। उसको जो विजेता बनाती है ना, उसके जो लगाम खींची जाती है, उसके चाबुक मारे जाते हैं, उसके एड लगाई जाती है, उसकी वजह से वो विजेता बनता है। जो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, जो तुम्हें यातनाएं दे रहा है, जो तुम्हें कष्ट दे रहा है, समझ लो वो तुम्हें जीवन संग्राम में एक योद्धा बनाना चाहता है। वो तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं, तुम्हारे शिक्षक हो सकते हैं। क्योंकि एक स्कूल की दीवार में मैंने लिखा देखा था कि एक अच्छा शिक्षक कीमती होता है। एक अच्छा शिक्षक कीमती होता है। अच्छा कौन लगता है जो तुमसे प्यार से बात करता है? अच्छा कौन लगता है जो तुम्हें चुटकुले सुनाता है? अच्छा कौन लगता है जो तुम्हें मारता पीटता नहीं है? वो तुम्हें अच्छा लगता है ना? अच्छा शिक्षक कीमती होता है, लेकिन एक बुरा शिक्षक बेश कीमती होता है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो मेरे को वो पढ़ करके अजीब लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बेश कीमती कैसे हो सकता है। बुरा टीचर, बुरा कौन होता है जो हमें अनुशासन में रहने के लिए कहे? बुरा कौन होता है जो विदाउट यूनिफॉर्म आए तो हमें डांटे?